हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जेपीएससी का मेंस का सिलेबस। हम लोग प्री का सिलेबस देख चुके थे, अब देखेंगे मेंस का सिलेबस। मेंस का सिलेबस में जीएस का जो फोर पेपर है, जीएस का 1, 2, 3 एंड 4, इस बारे में डिटेल में भी हम डिस्क्राइब करेंगे। इससे पहले कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो अब बात करते हैं हम लोग मेंस का सिलेबस। मेंस का सिलेबस जेपीएससी का मेंस का, अगर इससे पहले अगर आप प्री का सिलेबस कवर हो चुका है, अगर अभी तक देखे नहीं है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर बना हुआ है सिलेबस के नाम पे। तो प्री का कवर करवा चुके हैं, प्री में पेपर 1 पेपर 2 बिल्कुल कवर हो रखा है। अब बात करते हैं मेंस का। ओके, तो मेंस का सिलेबस हम लोग देख रहे थे। मेंस का सिलेबस में पिछले क्लास में भी एक ओवरव्यू बता चुके थे कि मेंस में क्या क्या पूछता है, फिर एक बार रिकॉल दोबारा करवा देते हैं। मेंस में जो होता है वो कंपलसरी 6 पेपर होता है। कितने पेपर होते हैं? 6 पेपर, ध्यान दीजिएगा। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। पहला जो पेपर आपका रहेगा क्वालिफाइंग पेपर होगा, क्वालिफाइंग पेपर। ओके, पेपर 1 हो गया आपका, पेपर 1। पेपर 2 जो होगा आपका लैंग्वेज पेपर होगा, लैंग्वेज पेपर। ओके, और नेक्स्ट जो आपका होगा पेपर जीएस का जो होगा, जीएस का आपका चार पेपर होगा। क्वालिफाइंग पेपर में बता चुके थे, पिछले क्लास में बता चुके हैं, और लैंग्वेज का भी सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। फिर भी आपको बता दें कि जो पेपर, जो क्वालिफाइंग पेपर जो होता है वो क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 30 मार्क्स लाना है। इसमें जो क्या क्या पूछेगा, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। जनरल हिंदी, हिंदी रहेगा आपका जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। इसमें से आपको 50 हिंदी पूछेंगे क्वेश्चन और 50 इंग्लिश का। ओके, 50 मार्क्स का रहेगा आपका हिंदी का, 50 मार्क्स रहेगा आपका इंग्लिश का। टोटल रहेगा 100 मार्क्स। 100 मार्क्स से आपको लाना है 30 नंबर पासिंग। अगर आप इसे पास करेंगे तभी आपका कॉपी चेक होगा, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे, आपका कॉपी चेक नहीं होगा। तो ये पास करना आपका कंपलसरी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लैंग्वेज पेपर का, भाषा का, लैंग्वेज का। ओके, तो पिछले क्लास में बता चुके थे हम, लैंग्वेज पेपर में आप हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, खोटा, नागपुरी, मुंडारी, जो भी लेना आप एक सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। आपका ये पेपर जो होता है 150 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है। जीएस का आपका 4 पेपर हुआ। जीएस का 4 पेपर जो होता है, प्रत्येक पेपर जो होता है 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आपका कितना, 800 मार्क्स का हो गया। और जो इंटरव्यू जो होता है वो होता है 100 मार्क्स का, ये आपका हो गया इंटरव्यू का, इंटरव्यू। ओके, तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं मेंस का। जीएस का 4 पेपर हैं, बातें होते हैं। जीएस का जो 4 पेपर होंगे कौन कौन होंगे, पहला जो पेपर होता है उसे कहते हैं सोशल साइंस। जीएस का फर्स्ट पेपर सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। ओके, इसका नाम है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आपका जो रहेगा पेपर में, आप क्या रहेगा, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ओके, पहला जो पेपर है आपका सामाजिक विज्ञान, पहला पेपर जो है पेपर 1, जीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे पेपर में आप काउंट करेंगे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इसको बोलेंगे पेपर 3, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 5, पेपर 6, ठीक है। तो पेपर आपका 6, तो बताते हैं कि आपका पेपर टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं,
ठीक है। तो पेपर थ्री में आपका जीएस का जो वन रहेगा, ये सब पूछेगा आपको सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में आपका रहेगा ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर फोर का। तो पेपर फोर में आपका रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ट्यूशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस मिनिस्ट्रेशंस एंड गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। ओके, आपका पेपर फोर में, पेपर फोर में आपका जीएस का ये टू पेपर होगा। ओके, पहला पेपर में आपका सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान जिसे कहते हैं, इसमें आपका रहेगा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी रहेगा। पेपर फोर जो आपका नेक्स्ट है जीएस का पेपर टू है, इसमें आपका रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस एंड गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। इसमें बोले हैं भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन एवं सुशासन, गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट पेपर फाइव जो है आपका आपका रहेगा इकोनॉमिक्स, पेपर फाइव के रहेगा क्या इकोनॉमिक्स। पेपर सिक्स जो है आपका, पेपर सिक्स में रहेगा आपका साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक। ओके, इसी में आपका क्या एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इसी में आएगा। ओके, तो ये पेपर जीएस का चार पेपर हुए, जीएस का चार पेपर। तो फुल डिटेल में बात करेंगे पेपर थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो देखते हैं कि इसका क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चन कैसा पूछता है, मतलब किस तरीके से पूछता है। तो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है, अभी जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का, तो ऐसा रहता है पेपर, मान लीजिए अभी पेपर वन है, पेपर जीएस वन है, मान लीजिए पेपर थ्री है, ठीक है, पेपर थ्री है, इसमें से आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, जियोग्राफी। ओके, तो इसमें से आपको 200 मार्क्स का पूछता है, 200 मार्क्स का पूछता है। टाइम जो होता है 3 आवर का होता है, एग्ज़ाम जो होता है 3 आवर का होता है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इसमें से डिवाइड कर दीजिए, 100 नंबर का आपका हिस्ट्री रहेगा और 100 नंबर का आपका ज्योग्राफी रहेगा, 100 नंबर का हिस्ट्री एंड 100 नंबर का आपका ज्योग्राफी। फिर इसमें क्या होता है, 100 नंबर का हिस्ट्री एंड 100 नंबर का आपका ज्योग्राफी। इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, मेंस में भी क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो इसमें से 10 क्वेश्चन जो होगा आपका, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 10 नंबर, वो क्या आपका होगा ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे टोटल मार्क्स 100 का हिस्ट्री रहेगा, 100 का ज्योग्राफी रहेगा, उसमें से 10 क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा आपका, 10 क्वेश्चन क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गया 20, टोटल कितना हो गया 20, ठीक है 20 मार्क्स का हो गया। वैसे ही सेम ज्योग्राफी में क्या होगा, 10 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, 10 क्वेश्चन क्या होगा ऑब्जेक्टिव, और 10 क्वेश्चन जो होगा उसमें एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, तो ये भी होगा आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। 100 नंबर रहेगा, 100 मार्क्स में से आपका 20 नंबर जो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव का हो गया। 80 मार्क्स रहा, 80 मार्क्स जो रहा, 80 नंबर जो रहा आपको लिखना है डिस्क्रिप्टिव, लिखना है आपको, लिखना है 80 जो मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उसको आपको लिखना है। तो इसमें रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आपको यहाँ बता रहे हैं, जैसे 100 था हिस्ट्री में, 100 था हिस्ट्री में, 100 में से 20 मार्क्स का हो गया ऑब्जेक्टिव। ओके, अब 80 मार्क्स का होगा आपका सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा। ओके, तो इसमें जो होगा 40 मार्क्स का होगा
40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का आपको दो लिखना है, 40 मार्क्स का दो। तो इसमें आपको रहेगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। पहली बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ओके। हिस्ट्री में आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 4, डिस्क्रिप्टिव जो लिखना है इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 4। चार क्वेश्चन में से किन्हीं दो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ध्यान से सुनिएगा। चार क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री का, ठीक है। ए इसको बोलेंगे हम पार्ट ए, पार्ट ए, पार्ट ए में आपका हिस्ट्री रहेगा, पार्ट बी में आपको ज्योग्राफी रहेगा, ठीक है। तो चार क्वेश्चन में से आपको किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है और एक क्वेश्चन जो होगा 40 मार्क्स का होगा, 40, दो का देना है तो कितना हो गया 80 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। ऐसे सेम आपका होगा ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में ऐसे ही सेम होगा। ज्योग्राफी में क्या होगा कि ज्योग्राफी में आपका ए पार्ट बी होगा, पार्ट बी में होगा कि 100 मार्क्स का था ये, 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा आपका कंपलसरी ऑब्जेक्टिव, ओके। इसमें से बच गया 40, 80 मार्क्स, 80 मार्क्स में आपको करना है कि चार क्वेश्चन रहेंगे, 1, 2, 3, 4, चार में से किन्हीं दो क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, चार में से किन्हीं दो का आपको आंसर देना है, ओके। किन्हीं दो का आपको आंसर देना है, किन्हीं दो क्वेश्चन का, ओके। तो ए भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का, तो दो क्वेश्चन करेंगे आप, आपको 80 मार्क्स, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें पूछता है, ठीक है। तो आपका पेपर थ्री में आपको सेम ऐसे ही होगा, पेपर फोर में भी आपको भी ऐसे ही होगा, पेपर फोर में आपको भी ऐसे ही होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पेपर थ्री जो है, एक बार मैं अच्छे से बता देते हैं, कहीं कंफ्यूजन ना हो, ओके। जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिख रहे हैं मेंस, ओके, मेंस के पेपर दिख रहे हैं। मेनली भी हम देखेंगे जीएस का जो चार पेपर हैं, पहला जो पेपर है इसको पेपर थ्री बोलते हैं पेपर फोर एंड पेपर सिक्स, ओके। तो पेपर थ्री में आपको क्या रहेगा, GS 1, GS 2, GS 3 एंड GS 4, ओके। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेन यहीं पे समझना है कि कितना मार्क्स का कितना क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव कितने पूछते हैं, सब्जेक्टिव कितने पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम बताए थे कि पहला जो जीएस पेपर वन है ना, पेपर थ्री का जो जीएस पेपर वन है, इसमें दो पार्ट रहेंगे, इस पार्ट दो रहेंगे, ठीक है। कौन कौन रहेंगे, पार्ट ए में आपका रहेगा, पार्ट ए में आपका हिस्ट्री, ओके, इसको इधर लेते थोड़ा, ठीक है। पार्ट ए में आपका रहेगा हिस्ट्री रहेगा, ओके। एंड पार्ट बी में आपका रहेगा जियोग्राफी, ओके। तो टोटली पेपर कितना होता है, 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स बोल रहे हैं, ओके। सारे पेपर जो होते हैं दो सौ मार्क्स का होता है, ये भी 200 मार्क्स का होगा, ये भी पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री का, हिस्ट्री जो होगा 100 मार्क्स का होगा, हिस्ट्री कितना होगा 100 मार्क्स का होगा, ज्योग्राफी भी होगा कितना 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 मार्क्स कितने हो गए, 200 मार्क्स।
अब देखते हैं कि हिस्ट्री में कैसे रहेगा। हिस्ट्री का दो पैटर्न रहेगा। हिस्ट्री में पहला जो टाइप होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होगा, ओके। दूसरा टाइप इधर होगा सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, आपको इसमें लिखना होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो होगा वो होगा 20 मार्क्स का, कितना होगा 20 अंक का होगा, यहाँ पे लिख दे रहा है 20 अंक। और सब्जेक्टिव जो होगा 80 अंक का होगा, 80 अंक, 80 मार्क्स का होगा, ठीक है, समझने को दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन कितने होंगे 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स का, टोटल कितना हो गया 20 मार्क्स, ओके। बात करते हैं सब्जेक्टिव में, इसमें क्वेश्चन जो रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 4 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन रहे नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 4, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन रहेंगे। 4 में से आपको बोलेगा किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। अब प्रत्येक क्वेश्चन कितना रहेगा 40 मार्क्स का, ठीक है। तो आप 1 2 को दीजिए या फिर 3 4 को दीजिए, जो भी देना है आपको 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो एक क्वेश्चन कितना होगा 40 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन बनाएंगे आपको टोटल होगा 80 मार्क्स का। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी का, सेम टू सेम ज्योग्राफी में भी ऐसे ही पूछेगा। ज्योग्राफी में 2 पार्ट इसका, पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव होगा, सेकेंड पार्ट क्या होगा सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में आपका रहेगा 20 मार्क्स का, 20 अंक का, और सब्जेक्टिव में भी आ रहेगा आपका 80 अंक का, ठीक है। अब यहाँ जो होगा 10 क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, टोटल हो गया 20 मार्क्स। इसमें भी क्या होगा 4 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 4 क्वेश्चन बोलेगा, इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा किन्हीं 4 प्रश्नों में से 2 क्वेश्चन का उत्तर दें, 2। अब 2 करेंगे तो 40 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और टोटल हो जाएगा आपका 80 मार्क्स का, ओके। तो ये आपका रहा पेपर 3, बोलेगा तो GS 1, ठीक है। अब बात करेंगे ऐसे हम GS 2 पेपर 4 का। जब पेपर 4 का हम बात करेंगे तो पेपर 4 में भी 2 पार्ट आते हैं, पेपर 4 में भी हमारे 2 पार्ट आते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं यहाँ देखिए, पेपर 4 में कौन कौन आते हैं। पहला जो पार्ट आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशंस, ओके। और दूसरा जो पार्ट आता है आपका, दूसरा जो पार्ट आता है कौन सा है, दूसरा पार्ट आपका आएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ओके। लोक प्रशासन एवं सुशासन, भारतीय संविधान, इसका 2 पार्ट रहेगा, पार्ट ए पार्ट बी। पहला में रहेगा आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान, दूसरा पार्ट में रहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है। अब देखिए इसमें भी रहेगा आपका 100 मार्क्स का ए रहेगा, 100 मार्क्स का आपका ए रहेगा, दोनों मिला के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेम टू सेम ऐसे ही होगा, सेम टू सेम ऐसे होगा। इसमें से रहेगा 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ओके, और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। इसमें से 10 क्वेश्चन जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो आपका हो जाएगा 20 मार्क्स। और वैसे रहेगा ये आपका 80 मार्क्स का, क्वेश्चन रहेगा 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में बनाना आपको 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में सबको बनाना है 2 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है 40 मार्क्स का तो 2 बनाएंगे तो आपका होगा 80 मार्क का, ठीक है। तो ये बन जाएगा 80 अंक का बनेगा। ऐसे ही सेम पार्ट बी में आपका रहेगा, पार्ट बी, पार्ट बी है ये आपका पार्ट ए है, ओके। तो पार्ट बी में ऐसे ही सेम पूछेगा,
100 में से 20 मार्क्स का आपका क्या होगा ऑब्जेक्टिव और 80 मार्क्स का होगा आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सेम प्रोसेस पेपर 3 का था, पेपर 4 का सेम ऐसे ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं पेपर 5। पेपर 5 में आपका रहेगा इकोनॉमिक्स। पेपर 5 में क्या आपका है इकोनॉमिक्स। ओके, पेपर 5 में क्या है आपका इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा कैसा होगा, तो इसमें पार्ट ए और बी नहीं है। जैसे वैसे पार्ट ए पार्ट बी था, इसमें दो दो सब्जेक्ट आ रहे थे, वैसे इसमें नहीं है। इसमें आपका 200 मार्क्स का है, 200 में से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पेपर 5 एंड पेपर 6 दोनों का पैटर्न सेम होगा। अगर पेपर आप 5 समझ गए तो पेपर 6 समझ जाएंगे। ठीक है, पेपर 5 में क्या है इकोनॉमिक्स क्या है 200 मार्क्स का है। 200 मार्क्स में से 20 क्वेश्चन जो होगा 20 क्वेश्चन होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब एक क्वेश्चन है कितना 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन है कितना मार्क्स का 2 मार्क्स का, तो टोटल होगा 40 मार्क्स। तो 40 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव और 160 अंक का क्या होगा आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव, ध्यान दीजिएगा। फिर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होगा 20 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, तो टोटल आप हो गया 40 मार्क्स। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका रहेगा सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन में आपका दो दो क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक सेक्शन में आपका दो दो क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक सेक्शन में आपके दो क्वेश्चन रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा दो क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन में आपके रहेंगे दो दो क्वेश्चन रहेंगे, दो में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दो में से कितना आने आपको एक क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन में से आपको एक क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, सेक्शन ए में आपका रहेगा दो क्वेश्चन, सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे आपके, प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा दो क्वेश्चन, दो में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक क्वेश्चन जो होगा कितना मार्क्स का होगा 40, एक क्वेश्चन होगा 40, 40 ये भी 40 ये भी 40 और ये अब क्या रहा 40। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 160 मार्क्स का। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर से बता दे रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में आपका रहेगा इसका 200 मार्क्स में से 40 मार्क्स जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, 160 मार्क्स जो होगा सब्जेक्टिव होगा डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें से 20 क्वेश्चन जो रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 20 रहेगा, वो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, टोटल रहेगा आपका 40 मार्क्स। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में 160 मार्क्स का है। इसमें से सेक्शन रहेगा 4 सेक्शन, सेक्शन 1, 2, 3, 4 प्रत्येक सेक्शन में रहेंगे दो क्वेश्चन, प्रत्येक सेक्शन में कितने रहेंगे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन दो, दो में से किन्हीं एक क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। तो इसमें दो रहेंगे, दो दो दो, इसमें से एक एक देना है, तो कितने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 चार क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा आपको 40 मार्क्स का, तो एक हो गया आपका 160 नंबर का हो गया। ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 6। पेपर 6 में आपका साइंस एंड टेक रहेगा, साइंस एंड टेक। ओके, अब देखते हैं नंबर इस क्वेश्चन कैसे होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, ये तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, कैसा डिफरेंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा इसमें ये भी 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है। तो इसमें क्या रहेगा कि 40 जो मार्क्स होगा, 40 अंक का होगा, ये रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड 160 मार्क्स का जो होगा आपका सब्जेक्टिव। ओके, तो इसमें क्या रहेगा कि जो
क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव रहेंगे 20, हर क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, टोटल कितना हो गया 40 मार्क्स। सेम टू सेम ऐसे रहेगा, सेम टू सेम ऐसे, जैसे आप देखे थे पेपर 5 में, इकोनॉमिक्स का पेपर में, ठीक है, वैसे साइंस एंड टेक में रहेगा 40 क्वेश्चन, 40 नंबर का रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का, एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, टोटल होगा आपका 40 मार्क्स का, ठीक है, 40 नंबर का। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में रहेगा इतने, इसमें कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में रहेंगे 5 क्वेश्चन, सेक्शन 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, प्रत्येक सेक्शन में रहेंगे 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन, इसमें सेक्शन रहेगा 5, इसमें सेक्शन कितने थे 4, इसमें सेक्शन है कितने 5, प्रत्येक सेक्शन में है 5 सेक्शन है, प्रत्येक सेक्शन में रहेंगे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 2, दो में से किन्हीं एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेक्शन एक में रहेंगे 2 क्वेश्चन, दो में से एक को सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन जो होगा कितने मार्क्स का होगा, 32 मार्क्स का होगा, 32 अंक का होगा, ये 32 होगा 32, 32, 32, 32, तो 32, 32 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 160 मार्क्स, ठीक है। तो सेक्शन 5 है इसमें, इसमें सेक्शन कितना था 4 था, प्रत्येक सेक्शन में रहेगा 2 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में से आपको किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें बता दिए साइंस एंड टेक में, इसमें रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव में 160 मार्क्स का, इसमें 5 सेक्शन हैं, 5 सेक्शन से में से किसी, इसमें हर सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, दो में से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन जो होगा 32 नंबर का होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चन पूछता है, आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो अब पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग पेपर थ्री का सिलेबस। पहला क्या है, पार्ट ए में क्या है, हिस्ट्री, पार्ट ए में क्या है, हिस्ट्री, पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग हिस्ट्री, ओके। अब बात करते हैं हम लोग पेपर थ्री का सिलेबस दिख रहे हैं, पेपर थ्री का सिलेबस, इसमें आता है आपका जीएस का 1 पेपर, ओके। तो आपको बताएं कि पेपर थ्री में जो है जीएस का जो 1 पेपर है, इसमें आते हैं 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट बी। एक कितना मार्क्स का है, टोटल है 200 मार्क्स का, ओके। इसमें 100 नंबर का रहेगा आपका, 100 मार्क्स का ही रहेगा, 100 मार्क्स का ही रहेगा आपका, ओके। पार्ट ए में आपका हिस्ट्री एंड पार्ट बी में आपका रहेगा ज्योग्राफी, ओके। 100 मार्क्स का ज्योग्राफी रहेगा, 100 मार्क्स का आपका हिस्ट्री रहेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का सिलेबस, कि हिस्ट्री में आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए मेन जो होता है उसका की पॉइंट होता है मेन, वो क्या होता है, उसका सिलेबस होता है। पहला जो होता है सिलेबस होता है, और उसके बाद होता है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इसके जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है सारे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले प्री करेंगे उसका, फिर हम लोग मेंस का करेंगे, ओके। तो देखते हैं हिस्ट्री का, हिस्ट्री में रहेगा आपका पार्ट 4 भाग रहेगा, हिस्ट्री में कितना पार्ट रहेंगे 4 भाग। पहला जो पार्ट है, देखिए यहाँ पे हिस्ट्री का पार्ट है, पहला में रहेगा आपका प्राचीन काल से, प्राचीन काल हिस्ट्री, प्राचीन काल, ठीक है। दूसरा आपका मध्यकाल, तीसरा आपका है आधुनिक काल, और नेक्स्ट जो आपका है झारखंड का इतिहास, ठीक है। ओवरव्यू में देख रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना हम लोग को, पहला क्या है पढ़ना है प्राचीन काल, मध्यकालीन भाग, आधुनिक, और फिर झारखंड का इतिहास, ये ओवरव्यू है। फिर डिटेल में देखेंगे हम लोग कि प्राचीन काल में क्या क्या देखना है, मध्यकाल में क्या देखना है, आधुनिक काल में क्या देखना है, झारखंड के इतिहास में क्या पढ़ना है,
बात करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में जो पूछेगा, ज्योग्राफी में रहेगा आपका चार पार्ट, ज्योग्राफी में रहेगा आपका चार पार्ट। पहला जो पार्ट रहेगा आपका वो रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, सामान्य सिद्धांत। इसमें क्या पूछेगा? सामान्य सिद्धांत। ओके, ये रहा ज्योग्राफिक पहला। दूसरा है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल एंड मानव भूगोल, मानव भूगोल। ओके, फिर नेक्स्ट जो तीसरा है भारत के प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, विकास एंड उपयोग। ओके, भारत के प्राकृतिक संसाधन, इसका विकास और इसका उपयोग देखना है। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट है वो झारखंड का भूगोल, झारखंड का भूगोल और इसके उपयोगिता, इसके संसाधन के उपयोगिता। ओके, तो यह ध्यान दीजिए, पेपर थ्री का दो पार्ट रहेंगे, पार्ट वन, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में रहेंगे ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी के रहेंगे कितना, चार पार्ट। प्राचीन काल देखेंगे, मध्यकाल इतिहास, मध्यकाल इतिहास, आधुनिक काल इतिहास और झारखंड का इतिहास। इतिहास को चार पार्ट डिवाइड कर दिए। उसके बाद देखेंगे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में इसका भी चार पार्ट है। पहला पार्ट जो है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल का सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल। नेक्स्ट है भौतिक भूगोल एंड मानव भूगोल, मानव भूगोल। फिर नेक्स्ट है भारत के प्राकृतिक संसाधन, विकास एवं उपयोग, विकास एवं उपयोग। फिर लास्ट इसका क्या है, झारखंड के भूगोल, झारखंड के भूगोल एवं इसके उपयोगिता, इसके संसाधन की उपयोगिता। तो इस तरीके से भी हम लोग ओवरव्यू देखें। अब डिटेल में देखते हैं कि प्राचीन काल के इतिहास में क्या इसका सिलेबस है, मध्यकालीन में क्या है और आधुनिक काल में क्या है और झारखंड के इतिहास में इसका क्या इसका सिलेबस है, डिटेल में हम लोग देखते हैं। ओके, इसमें हम लोग बात करेंगे प्राचीन काल, एंशिएंट काल, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग बात करेंगे प्राचीन काल, हम लोग देख लिए प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग प्राचीन काल। प्राचीन काल में पहला जो टॉपिक है ना, पहला टॉपिक जो है ये है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से टॉपिक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का देखना है इसमें उद्भव, पुरातनता, सीमा, रचनाकारिता तथा इसका मुख्य विशेषता, ये आपका हुआ सिंधु घाटी सभ्यता। फिर नेक्स्ट है आर्यों का उद्भव, आर्यों का उद्भव, दूसरा टॉपिक जो है आर्यों का उद्भव है। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो वैदिक साहित्य की पुरातनता तथा विभाजन, किस बात कर रहा है, वैदिक साहित्य। आरंभिक काल के दौरान समाज, अर्थव्यवस्था तथा धर्म, ठीक है। तो मेनली फोकस जो किया गया सिलेबस में किया गया किस पे है, वैदिक साहित्य, ठीक है। तो वैदिक साहित्य की पुरातनता तथा विभाजन, ठीक है, वैदिक साहित्य की विभाजन। फिर उसका आरंभिक काल, ठीक है, आरंभिक काल के दौरान में समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी और उसकी धर्म में कैसा था, धर्म, ठीक है। बात करते फिर नेक्स्ट फोर्थ में, इसमें लिच्छवी तथा उनका गणतांत्रिक संविधान, ठीक है, लिच्छवी बारे में पूछा है। फिर नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में है मुगल साम्राज्य का अभ्युदय, मुगल साम्राज्य का अभ्युदय। फिर नेक्स्ट है आपका मौर्य काल से, नेक्स्ट कौन सा है, मौर्य काल, मौर्य काल है नेक्स्ट, ठीक है। मौर्य काल का साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार, कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध तथा इसके प्रभाव, कलिंग युद्ध तथा इसका प्रभाव, अशोक का धम्म नीति, ठीक है, अशोक का धम्म नीति, विदेश नीति, ठीक है। मौर्य काल के दौरान कला तथा स्थापत्य विकास, ठीक है, मौर्य काल के दौरान कला स्थापत्य का विकास, एक से पूछा है। और
कलिंग युद्ध का, कलिंग का युद्ध तथा इसके प्रभाव, कलिंग का युद्ध हुआ था और उसका प्रभाव, और अशोक का धर्म नीति, विदेश नीति, मौर्य काल के दौरान कला तथा स्थापत्य कला का विकास। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सेवेंथ नंबर में आपका कौन सा है, कुषाण वंश। फिर नेक्स्ट कौन सा है, कुषाण वंश। कुषाण वंश में कनिष्क कौन सा है, कनिष्क। कनिष्क का साम्राज्य विस्तार, उसकी धार्मिक नीति, कुषाण काल के दौरान कला स्थापत्य तथा संचार का विकास। ठीक है, तो आपका हुआ है कुषाण वंश। नेक्स्ट आपका गुप्त वंश है, तो बात करते हैं गुप्त वंश का। तो गुप्त वंश का साम्राज्य का विस्तार, यहाँ देख पा रहे हैं आप कि कुषाण वंश में भी ऐसे ही बोला था, कनिष्क का साम्राज्य का विस्तार। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है, गुप्त वंश का साम्राज्य विस्तार। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गुप्त काल के दौरान भाषा, कला तथा स्थापत्य का विकास। अब ध्यान देंगे स्थापत्य इसमें पूछ रहा है। ठीक है, गुप्त काल में स्थापत्य पूछा है। फिर नेक्स्ट जो पूछा है आपका, मौर्य काल में भी स्थापत्य पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कला तथा स्थापत्य का विकास। फिर नेक्स्ट है हर्षवर्धन के बारे में पूछा है। हर्षवर्धन उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शासक, हर्षवर्धन के बारे में पूछा है। उसके काल के दौरान प्राप्त होने वाली सांस्कृतिक उपलब्धियां, हर्षवर्धन के काल के दौरान प्राप्त होने वाली सांस्कृतिक उपलब्धियां। फिर नेक्स्ट है टेंथ नंबर में आपका है चोल वंश। ठीक है, आपका कौन सा है नेक्स्ट, चोल वंश। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में नौवहन गतिविधियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां, कला तथा स्थापत्य, इसमें पूछा है स्थापत्य, इसमें भी पूछा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका है प्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियां, प्लवों का सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो ये आपका हुआ प्राचीन काल। ठीक है, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें आपका कितने टॉपिक है, 11 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, सेकेंड में आपका आर्यों का उद्भव है, थर्ड में वैदिक साहित्य है, फोर्थ में लिच्छवी तथा उनके गणतांत्रिक संविधान, फिफ्थ में आपका मुगल साम्राज्य है, सिक्स्थ में मौर्य काल, सेवेंथ में कुषाण वंश, एट्थ में गुप्त वंश, नाइन्थ में हर्षवर्धन, टेंथ में चोल वंश और इलेवेंथ में आपका पल्लव वंश। ठीक है, तो ये आपको सिलेबस में है आपका प्राचीन काल में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मध्यकाल। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मध्यकाल, मध्यकाल में भी टॉपिक देखते हैं डिटेल में। तो ये आपका हो गया प्राचीन काल का, अब देखते हैं हम लोग मध्यकाल। अब हम लोग बात करेंगे मध्यकाल, तो मध्यकाल में देखेंगे कि इसमें दिए कितने हैं, आठ टॉपिक। मध्यकाल में कितने टॉपिक हैं, आठ टॉपिक हैं। और इससे पहले हम लोग देखें प्राचीन काल, प्राचीन काल में हम लोग देखें कितना, 11 टॉपिक। तो अब बात करते हैं मध्यकाल, मध्यकाल में देखेंगे हम लोग मिडेवल में। तो पहला जो है, पहला जो टॉपिक सब देखना है सिलेबस में क्या है, तो भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर अरबों का आक्रमण। नेक्स्ट आपका है भारत का गजनवियों का आक्रमण। ठीक है, भारत पर गजनवियों का आक्रमण। ठीक है, गजनवी लोग भारत पर आक्रमण के उसमें पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत, नेक्स्ट है क्या, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजारी तथा सैन्य सुधार, एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की काल्पनिक नीतियाँ। दिल्ली सल्तनत में देखना है जो टॉपिक है, जो टॉपिक दिए सिलेबस में बस वही कवर कीजिए। ठीक है, आपको उसका पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें दिया है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में दिया अलाउद्दीन खिलजी के बाजारी तथा सैन्य सुधार एवं मोहम्मद बिन तुगलक की काल्पनिक नीतियाँ, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में आपका आएगा भारत पर मंगोलों का आक्रमण, भारत पर मंगोलों का आक्रमण, ये देखना है कब कौन कौन आक्रमण किया, कैसे किया है ना, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसे देखना है। नेक्स्ट आपका धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन दो प्रमुख आंदोलन पढ़ना है, पहला जो है सूफी आंदोलन और दूसरा क्या है भक्ति आंदोलन। दो प्रमुख है धार्मिक आंदोलन में, सूफी और भक्ति, इसके अलावा आपको तीसरा नहीं पढ़ना है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है नई इस्लामिक संस्कृति का आगमन। नई इस्लामिक संस्कृति का आगमन, इंडो इस्लामिक स्थापत्य, हिंदी एवं उर्दू भाषाओं का विकास, ये देखना है। फिर नेक्स्ट है आपका मुगल काल देखना है, मुगल साम्राज्य, मुगल काल। मुगल काल में आपको देखना है पानीपत का प्रथम युद्ध, आपको दूसरा तीसरा नहीं देखना है, पानीपत का आपका प्रथम युद्ध, शेरशाह सूरी की उपलब्धियां, मुगल साम्राज्य का एकत्रीकरण। उसके बाद फिर अकबर के शासनकाल के अंतर्गत जागीरदारी एवं मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है। फिर क्या है इसमें नेक्स्ट है अकबर का धर्म और राजपूतों की नीतियाँ। फिर नेक्स्ट है मुगल स्थापत्य एवं चित्रकारी। फिर नेक्स्ट है मुगल काल के दौरान आर्थिक स्थितियाँ, ठीक है, कि मुगल काल के दौरान आर्थिक स्थितियाँ क्या थी, ठीक है। तो मुगल काल थोड़ा सा बड़ा लेंथी टॉपिक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको पहले बता, फिर बता रहे हैं आपको। पानीपत का प्रथम युद्ध नेक्स्ट हुआ, फिर नेक्स्ट है शेरशाह सूरी की उपलब्धियाँ, ये हो जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक है मुगल साम्राज्य का एकत्रीकरण। इसके बाद अकबर के शासनकाल के अंतर्गत जागीरदारी एवं मनसबदारी व्यवस्था। फिर नेक्स्ट है अकबर का धर्म और राजपूतों की नीतियाँ। नेक्स्ट है मुगल स्थापत्य एवं चित्रकारी। उसको फिर नेक्स्ट है मुगल काल के दौरान आर्थिक स्थितियाँ। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसका 8th नंबर में है आपका मराठों का उदय, शिवाजी की उपलब्धियाँ, मराठों का उत्तर की ओर विस्तार एवं उनका पतन। तो आपका लास्ट टॉपिक है क्या, मराठों का उदय, शिवाजी की उपलब्धियाँ, मराठों का उत्तर की ओर विस्तार तथा उनका पतन, ठीक है। ये आपका मध्यकाल का हुआ, मिडेवल का ये आपको इतना पर पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक काल में हमको क्या देखना है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक काल, अब देखेंगे हम लोग मॉडर्न, ओके, आधुनिक काल। आधुनिक काल में आपको टोटल आएगा कितना, 10 टॉपिक, कितना आएंगे टोटल 10 टॉपिक, ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में देखेंगे कि सबसे पहला जो टॉपिक है सिलेबस का आधुनिक में, पहला है यूरोपीय उपनिवेशीकरण की शुरुआत, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण तथा विकास, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण तथा उसका विकास। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश शक्ति का समेकन। उसको फिर नेक्स्ट पढ़ना है प्लासी का युद्ध एवं बक्सर का युद्ध। फिर नेक्स्ट है मैसूर पर नियंत्रण। फिर नेक्स्ट है सहायक संधियां की गई थी, ये पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है चूक का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है राजगामी होने का सिद्धांत, ठीक है। तो पहला टॉपिक देख लिया हम लोग, इसमें मेन टॉपिक जो था यूरोपीय उपनिवेशीकरण की शुरुआत में, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं औपनिवेशिक शासक का विरोध, जब इंडिया में औपनिवेशिक शासक जब हुए यहाँ पे, अब इनके विरोध के लिए फिर क्या क्या हुए, तो इनको विरोध के लिए किसानों, जनजातियों, सांस्कृतिक विरोध, ठीक है, किसानों, जनजातियों, सांस्कृतिक विरोध। उसके बाद 1857 की क्रांति, ये भी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर में, हिंदू समुदाय में समाज सुधार आंदोलन। इसके जो प्रमुख क्या क्या हैं, पहला जो है ब्रह्म समाज,
नेक्स्ट है आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसमें मेजर जो देखना है, हिंदू समुदाय में जो हिंदू समाज में समाज सुधार आंदोलन, तो मेन इसमें जो है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट बात करते हैं अब मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समुदाय में समाज सुधार आंदोलन, इसमें दो प्रमुख आंदोलन थे, कौन कौन है, वहाबी आंदोलन एवं अलीगढ़ आंदोलन। इसमें मुस्लिम में दो हैं प्रमुख, ठीक है, ये देखना है, वहाबी आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन। नेक्स्ट है महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु संघर्ष, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु संघर्ष। पहला क्या है, सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह अधिनियम, विधवा विवाह अधिनियम, सहमति विधेयक, महिला शिक्षा पर दबाव, महिला शिक्षा पर दबाव। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भूमि राजस्व, भूमि राजस्व, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत देखना आपको भूमि राजस्व। पहला स्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, रेयतवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था, इसमें तीन है, तीन जो प्रमुख है, अस्थाई बंदोबस्त, रेयतवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रवाद का उदय, 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, नरमपंथी गरमपंथी स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो एक टॉपिक इसमें हो गया। फिर नेक्स्ट है महात्मा गांधी और जन सामूहिक राजनीति, महात्मा गांधी और जन सामूहिक आंदोलन, इसमें देखेंगे को पहला कौन है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें तीन प्रमुख आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। फिर नेक्स्ट है भारत का विभाजन तथा इसके परिणाम, जब भारत का विभाजन हुआ, भारत इंडिया और पाकिस्तान के रूप में, तो फिर इसका क्या परिणाम हुआ, इसका विभाजन तथा इसका परिणाम। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात भारत, स्वतंत्रता के पश्चात भारत कैसा था, क्या हुआ। तो सबसे पहला है भारतीय संघ में देसी रियासतों का विलय, भारतीय संघ में देसी रियासतों का विलय कैसे मिला, भारतीय संघ में जो देसी रियासत जो थी कैसे भारत में मिले, इनका विलय के बारे में। फिर नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। नेक्स्ट है नेहरू तथा इंदिरा गांधी के अंतर्गत गुटनिरपेक्ष की नीति। फिर लास्ट में क्या देखना है, बांग्लादेश की आज़ादी। ये रहा आपका आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल में आपके 10 टॉपिक जो थे सिलेबस का, इसको कवर करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग झारखंड, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या झारखंड, झारखंड से भी आपका क्वेश्चन रहेगा, झारखंड की हिस्ट्री से, झारखंड का हिस्ट्री, ओके, इससे भी आपका 6 रहेगा, झारखंड की हिस्ट्री कितना रहेगा, 6 टॉपिक, ओके, देखते हैं इसमें। अब बात करेंगे हम लोग झारखंड का इतिहास, झारखंड का इतिहास। तो झारखंड के इतिहास में पहला जो टॉपिक रहेगा आपका आदि धर्म, आदि धर्म, आदि धर्म, जैसे झारखंड की जनजातियों का सारण संप्रदाय, सारण संप्रदाय। फिर नेक्स्ट है सदन अवधारणा, सदन अवधारणा तथा नागपुरिया भाषा का उद्भव। नेक्स्ट है आपका झारखंड में जनजाति संघर्ष एवं राष्ट्रवादी संघर्ष, जनजाति संघर्ष एवं राष्ट्रवादी संघर्ष। नेक्स्ट पढ़ना है फिर आपको बिरसा आंदोलन, बिरसा आंदोलन। नेक्स्ट है टाना भगत आंदोलन। फिर लास्ट में क्या है, झारखंड में
स्वतंत्रता आंदोलन, ये रहा 6 टॉपिक जो झारखंड के इतिहास से पूछेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लिए, अभी हम लोग देखें कि इतिहास में, हिस्ट्री में, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में क्या क्या पूछेगा। पहला आपका प्राचीन से, प्राचीन काल से, नेक्स्ट मध्यकाल से, मध्यकाल से, आधुनिक काल से, आधुनिक काल से, और लास्ट में आपका झारखंड के इतिहास से, झारखंड के इतिहास से, ठीक है। तो अभी हम लोग देखिए, हिस्ट्री में 4 पार्ट रहेगा, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, और लास्ट आपका क्या रहेगा, आपका झारखंड का हिस्ट्री। तो अभी हम लोग कवर किए हिस्ट्री, इतिहास कवर किए, उसको फिर जो पार्ट बी इसका जो है, पार्ट बी, खंड बी, पार्ट बी जो है, पार्ट बी में आपका क्या देखना है, ज्योग्राफी, जियोग्राफी का सिलेबस देखना है अभी आप लोग को, ओके। अब देखेंगे ज्योग्राफी का सिलेबस।